कांग्रेस नेता रामेश्वर रूडी को किया जा रहा है गुरुग्राम शिफ्ट किया जा रहा है। एयरलिफ्ट होने वाले कुछ ही पलों में एसएमएस अस्पताल से एम्बुलेंस निकली है और कुछ ही देर में एयरपोर्ट पर पहुंच जाएगी। हमारे सहयोगी दिनेश हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं। दिनेश, क्या अपडेट्स हैं इस वक्त आपके पास एयरलिफ्ट को लेकर? दिनेश, क्या मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जयपुर के एसएमएस अस्पताल में कांग्रेस नेता रामेश्वर रूडी एडमिट थे, उनका इलाज चल रहा था, लेकिन ग्रीन कॉरिडोर बनाकर, देखिए अब से कुछ मिनट पहले की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं जब यहां से एम्बुलेंस रवाना हुई एसएमएस से, ग्रीन कॉरिडोर बना गया ताकि तत्काल प्रभाव से यानी जल्दी से जल्दी पहुँच सकें एयरपोर्ट और वहाँ से एयरलिफ्ट करके मेदांता में एडमिट कराया जाएगा। उसके बाद नए सिरे से इलाज जो है वो मेदांता में चलेगा, रिकवरी की उम्मीदें हैं। अब ऐसे में सभी की निगाहें टिकी हुई हैं, नज़रें टिकी हुई हैं कि जल्द से जल्द रूडी जो है रिकवर हो, मूवमेंट दिखाई दे शरीर में। हालांकि ऑक्सीजन सिलेंडर साथ साथ में उनके गया है, ऑक्सीजन लगाया गया हुआ है और हालांकि खुद से सांस ले पा रहे रामेश्वर रूडी, लेकिन फिर भी क्योंकि दिमाग तक ऑक्सीजन पहुँचना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए ऑक्सीजन सिलेंडर से ऑक्सीजन जो है वो पहुँचाया जा रहा है। ये एक बड़ी जानकारी आपको दे दें। ऑपरेशन के बाद से हालत एज इट इज़ बनी हुई है, कोमा में है इस वक्त रामेश्वर डूडी और उनका इलाज अब तक एसएमएस अस्पताल में चल रहा था, लेकिन जब परिजनों की इच्छा हुई कि मेदांता में एडमिट कराया जाए तो उसके आधार पर रिपोर्ट्स भेजी गई मेदांता, मेदांता के डॉक्टर्स ने देखा, वहाँ से ग्रीन सिग्नल मिला, तो यहाँ से अब एयरलिफ्ट करने के लिए जो है एयर एम्बुलेंस मेदांता की पहुँच चुकी थी एयरपोर्ट पर और अब एयरलिफ्ट किया जा रहा है रामेश्वर डूडी को। तो एक बड़ी जानकारी, बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, दो तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं मेदांता अस्पताल में शिफ्ट किया जा रहा है रामेश्वर डूडी को। आपको ये भी बता दें कि एसएमएस अस्पताल के अधीक्षक अजल शर्मा ने भी कुछ देर पहले अपडेट दिया, बताया कि मेदांता हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है वो भी उन्होंने बताया। हालांकि यहां पर विशेषज्ञ डॉक्टर्स का पैनल था जो उनकी निगरानी यहाँ पर कर रहा है, लेकिन फिर भी डॉक्टर्स ने कहा था कि अगर परिवार चाहता है तो आगे आप लेकर जा सकते हैं। उसके बाद में मुख्यमंत्री ने भी इसमें इनिशिएटिव लिया और मेदांता में बात की गई। अब टीम यहाँ से जो है वो लेकर रवाना हो रही है। आपको बता दें एयरलिफ्ट किया जा रहा है रामेश्वर डूडी को, ये एक बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। पल पल की अपडेट सबसे पहले रामेश्वर डूडी से जुड़ी हुई हम आप तक पहुँचा रहे हैं। और 3 घंटे का ऑपरेशन चला था, उसके बाद में जो क्लॉट जम गया था दिमाग में उसको निकाला गया और अब फिलहाल एयरलिफ्ट किया जा रहा है रामेश्वर डूडी को। दिनेश हमारे सहयोगी कनेक्ट हो गए। दिनेश, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? दिनेश नहीं सुन पा रहे हमें, एक बार फिर से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे दिनेश से। हमारे सहयोगी पीसीआर हमसे चाहेंगे कि एक बार फिर से जोड़ा जाए दिनेश को, क्योंकि ताज़ा अपडेट दिनेश हम तक पहुंचा पाएंगे, वो एयरपोर्ट पर मौजूद है। आपको बता दें कि एयर एम्बुलेंस से एयरलिफ्ट किया जा रहा है हमारे सहयोगी की, कोई ब्लड प्रेशर, उनकी सांस और ऑक्सीजन वगैरह सब नॉर्मल चल रहा है। सर कितनी क्लॉट? हाँ, क्लॉट तो हमने उसी दिन निकाल लिया था जिस दिन की घटना हुई थी, उस वक्त तुरंत निकाल लिया गया था। अभी स्थिति वो बेहोशी में तो है, उसमें तो वक्त लगेगा क्योंकि ब्रेन में जो क्लॉट की वजह से जो डैमेजेज होते हैं वो हैं, उसमें टाइम लगेगा। आपकी समरी पर मेदांता का क्या कहना है? मेदांता से मेरी उनके वहाँ के जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट से मेरी बात हुई थी कल रात को भी, मैंने उनको सारा जो समरी और डिटेल बताया था उसके बाद में, तो उन्होंने संतुष्टि जाहिर की थी कि बिल्कुल ठीक है, ये अच्छी कदम था कि हमने तुरंत उसको ऑपरेट करके अंजाम दिया, इसलिए ये इस हालत में पहुँच सके कि हम उनको शिफ्ट करा पाए। आगे के लिए उन्होंने भी कहा था कि ठीक है, हम तैयारी रखते हैं और आगे का वो टेक ओवर करते हुए। इंफेक्शन का खतरा नहीं हो इसलिए शिफ्टिंग की जा रही है? ये देखिए, ऐसा है कि इसमें जो परिवारजन का भी ये था कि उनको क्योंकि इसमें लंबा टाइम लगेगा तो इसलिए वहाँ शिफ्ट करना चाहते हैं, और उन्होंने सीएम साहब से इस चीज़ के लिए अपनी इच्छा जाहिर की थी, जिसमें सीएम साहब ने उसको संज्ञान देते हुए इसके लिए कहा कि इनको शिफ्ट कराया जाए। उसी तरह सर कितनी देर लगेगी अब एयरलिफ्ट कराने में? कुछ
ये जो आपको पता है कि एक नॉर्मल प्रक्रिया है यहाँ की जो सुरक्षा की दृष्टि से, उसके बाद जो भी एयरपोर्ट अथॉरिटी जब इनको शिफ्ट करें। न्यूरो एक्सपर्ट है, ऐसे मामलों के अंदर क्या आपको क्या लगता है कितनी संभावनाएं होती हैं वापस लौटने की, चूँकि जो आपने क्लॉट निकाला कल ही, अभी आपने हायर मेडिकल फैसिलिटी के लिए उनको जो है वो रेफर किया, आपको क्या लगता है सर चांसेस? देखिए ऐसा है कि जब भी कोई इतना बड़ा हेमरेज होता है तो ब्रेन पर बड़ा प्रेशर होता है। सबसे पहला हमारा तो ये होता है कि इसको क्लॉट को निकालें, प्रेशर को, जो ब्लीडिंग जो हो रही है उसको हम कंट्रोल करें, जिससे कि जो ब्रेन का जो फर्दर तेज़ी से डिटोरेशन हो रहा है, ख़राबी आ रही है, उसको रोका जा सके। ब्रेन में जो सेल्स हैं उसको परमानेंट कितने डैमेज हो गए ये तो देखा नहीं जा सकता, ये वक्त के साथ ही हम जो जैसे जैसे इम्प्रूवमेंट होता है जो चीज़ रहती है उससे हमें ज्ञात होता है कि भाई इसमें ब्रेन में कितना परसेंट डैमेज। ऐसे केसेस के अंदर पॉसिबिलिटीज़ हैं? बिल्कुल पॉसिबिलिटी, जी हाँ बिल्कुल पॉसिबिलिटीज़ हैं, और इसी पॉसिबिलिटीज़ को देखते हुए मेदांता ने भी एक्सेप्ट किया कि हम आगे को तैयार हैं आगे इसको कंटिन्यू करने के। ठीक है, थैंक यू डॉक्टर। हाँ देखिए विश्राम जी मौजूद है, परिवार के सदस्य मान लीजिए इनको आप, विश्राम जी कौन कौन जा रहा है साथ में यहाँ से और आगे वहाँ पर कौन कौन रहेगा? यहाँ से अटेंडेंट के तौर पर अतुल रूडी जो उनके भतीजे हैं रूडी साहब के, वो साथ में जा रहे हैं, एक व्यक्ति अलाउड किया था वेदांता ने, वो साथ में जा रहे हैं, बाकी डॉक्टर्स की पूरी टीम वेदांता से आई थी, वो यहाँ से शिफ्ट करने में उनका ही पूरा सहयोग था, डॉक्टर साहब ने अचल शर्मा जी की पूरी टीम लगी हुई थी, सब ने कोऑपरेट करके यहाँ तक किया है और वेदांता तक वो लोग सारे लेके जाए। एसएमएस की जो सेवाएं सुविधाएं और उन्होंने जो काम किया कैसे, दो शब्द? 100% हम सेटिस्फाइड है, इनकी जो टीम ने काम किया उनके लिए मेरे पास शब्द नहीं कहने के लिए, जो इन्होंने ट्रीटमेंट दिया जो तुरंत उन्होंने ये अंतिम किया। शब्द जो है वो एसएमएस के लिए बहुत बड़ी बात है कि जो प्रयास किया एसएमएस की तरफ से लगातार 3 दिन से पूरी टीम। देखिए तो शिफ्ट किया जा रहा है, एयरलिफ्ट किया जा रहा है, आपको बता दें कि एसएमएस एयरपोर्ट से रवाना हो चुके हैं, एसएमएस से एयरपोर्ट रवाना हो चुके हैं, उसके बाद एयरपोर्ट से एयरलिफ्ट किए जाएंगे। रामेश्वर डूडी उनके भतीजे उनके साथ में मौजूद हैं जैसा कि डॉक्टर कह रहे हैं, और संभावनाएं हैं उनके रिकवरी के, इसलिए मेदांता ने हरी झंडी दी है, मेदांता ने बुलाया है कि आप यहाँ पर लिखाइए, हम यहाँ पर बेहतर इलाज मुहैया कराएंगे, और एसएमएस से अब मेदांता एयरलिफ्ट किए जा रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं इस खबर के माध्यम से। दिनेश हमारे सहयोगी लाइव कनेक्ट हो गए, दिनेश ताज़ा अगर तस्वीरें आपके पास है तो कृपया करके दिखाएं कि क्या इस वक्त मूवमेंट हो रही है। बिल्कुल आशीष, देखिए जो नेता प्रतिपक्ष हैं रामेश्वर डूडी पूर्व में कांग्रेस नेता, उनको एयरलिफ्टिंग के जरिए शिफ्ट कर दिया गया है। ये ताज़ा तस्वीरें हम दिखा सकते हैं यहाँ की कि एसएमएस हॉस्पिटल के डॉक्टरों की टीम पूरी यहाँ पर मौजूद है और पूरी टीम की देखरेख में ही जो है डूडी को यहाँ से भेजा गया है। मेदांता की जो टीम है वो भी यहाँ पर उनको लेने के लिए आई है, यहाँ से एयरपोर्ट से एयरपोर्ट तक पूरी टीम एसएमएस हॉस्पिटल के उनको छोड़ने के लिए आई है, और हॉस्पिटल की जो टीम है वो यहाँ से उनको पूरा मेदांता की टीम लेकर जाएगी। ऐसे में डॉक्टर अचल शर्मा के नेतृत्व में पूरी 7 लोगों की टीम उनको यहाँ पर एयरपोर्ट पर छोड़ने के लिए आई है, और पूरा देखरेख वो एसएमएस हॉस्पिटल की लगातार इस पर बनी हुई है। एसएमएस के जो डॉक्टरों का जो ट्रीटमेंट रहा उसको लेकर भी परिजनों ने काफ़ी हद तक संतुष्टि जाहिर की है, वो खुश हैं कि जो एसएमएस हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं उन्होंने अपना बेहतरीन प्रयास किया और जो बेस्ट सेवाएं वो दे सकते थे वो उन्होंने दी। ऐसे में अब परिजनों की ही डिमांड पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देशन में उनको मेदांता शिफ्ट किया गया है, अब कुछ देर में वो मेदांता के लिए यहाँ से रवाना हो जाएंगे। फिलहाल उन्हें शिफ्ट कर दिया गया है और जो एसएमएस की टीम है वो पूरी यहाँ पर एयरपोर्ट पे छोड़ने आई है, और कुछ देर में अब रामेश्वर डूडी जो है मेदांता के लिए रवाना हो जाएंगे, मेदांता उनको शिफ्ट किया गया है। हालांकि एसएमएस हॉस्पिटल में लगातार 3 दिन से उनका इलाज जारी है, परसों ब्रेन स्ट्रोक के चलते उन्हें एडमिट किया गया था, लेकिन उसके बाद से लगातार जो है एसएमएस हॉस्पिटल के डॉक्टरों की पूरी मॉनिटरिंग रही और इनकी देखरेख में
SMS हॉस्पिटल में उनका ऑपरेशन भी किया गया, जो ब्रेन में जो स्ट्रोक आने के बाद ब्लड का जो थक्का जम गया था उसको भी निकाला गया, और 7 डॉक्टरों की एक मेडिकल बोर्ड बनाया गया, मेडिकल टीम बनाई गई, उनकी देखरेख में लगातार इलाज जारी था। अब परिजनों की डिमांड पर मेदांता के लिए शिफ्ट किया गया है। डॉक्टर जो है बता रहे हैं कि जो यहाँ की जो बेस्ट उपचार है वो हमने दिया और आगे भी बेहतरीन उपचार हम कर रहे थे, लेकिन परिजनों की डिमांड थी, परिजनों की इच्छा पर ही मेदांता के लिए शिफ्ट किया गया। हालांकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का भी इंटरफेयर था, परिजनों ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को इच्छा जाहिर की थी मेदांता शिफ्ट करवाने की, और उसके बाद आज एयर लिफ्टिंग के जरिए एयर एम्बुलेंस से उन्हें मेदांता भेजा जा रहा है। जी आशीष, ये तस्वीरें हम दिखा सकते हैं कि SMS हॉस्पिटल का जो बोर्ड है, पूरा SMS हॉस्पिटल की जो टीम है वो खुद यहाँ एयरपोर्ट पर आई है, वो SMS हॉस्पिटल की टीम उन्हें यहाँ छोड़ने के लिए आई है, और यहाँ से अब हॉस्पिटलों जो वेदांता के जो डॉक्टर हैं वो उन्हें उनके अपनी देखरेख में साथ में लेकर जाएंगे। जी आशीष, जाहिर तौर पर दिनेश, और अच्छा परिवार का कौन कौन इस वक्त मौजूद है उनके साथ में जो मेदांता तक जाएगा जयपुर से? जी जी आशीष, जो डूडी रामेश्वर डूडी है उनके भतीजे हैं अतुल डूडी, वो फिलहाल वर्तमान में उनके साथ हैं और वो मेदांता जा रहे हैं। हालांकि परिवार के अन्य लोग भी हैं जो SMS हॉस्पिटल में थे और वो यहाँ तक एयरपोर्ट तक साथ आए हैं, लेकिन फिलहाल एयर एम्बुलेंस में जो उनके साथ जाएंगे वो रामेश्वर डूडी के भतीजे अतुल डूडी है, वो उनके साथ जाएंगे। उनकी फिलहाल पिछले 3 दिन से लगातार उनकी देखरेख थी, वो अटेंडेंट के रूप में उनके साथ थे और आगे भी वो लगातार उनके अटेंडेंट के रूप में साथ रहेंगे। हालांकि जो डॉक्टरों की टीम है, मेदांता के डॉक्टरों की टीम है, वो खुद उन्हें लेने के लिए आई है और वो साथ में रहेगी, उनकी देखरेख में ही वो यहाँ से जाएंगे। लेकिन परिजनों के हिसाब से देखा जाए तो अतुल डूडी जो उनके भतीजे हैं वो उनके काफ़ी करीबी माने जाते हैं और वो लगातार 3 दिन से उनके साथ रहे और वो आज भी उनके साथ हैं, वो एयर एम्बुलेंस में उनके साथ रहेंगे। ये मैं एक बार फिर से दृश्य यहाँ का दिखाना चाहूँगा कि डॉक्टरों की पूरी टीम SMS हॉस्पिटल की जो एम्बुलेंस के जरिए उन्हें यहाँ छोड़ने आई है। पूरा जो जवाहरलाल मार्ग है वो मार्ग को पूरा ग्रीन कॉरिडोर में तब्दील कर दिया गया और मैक्सिमम 10 मिनट के अंदर अंदर उन्हें SMS से पूर्ण सुविधाओं के साथ, पूर्ण एम्बुलेंस में तमाम सुविधाओं के साथ उन्हें एयरपोर्ट पहुंचाया गया और बेहतरीन इलाज करते हुए SMS के डॉक्टरों ने उन्हें एयरपोर्ट तक छोड़ा। ऐसे में पूरी टीम उन्हें यहां तक छोड़ने के, SMS हॉस्पिटल से एयरपोर्ट तक छोड़ने के लिए आई, और जब डॉक्टरों का कहना भी है कि अभी यहां से मेदांता की जो टीम है, मेदांता के डॉक्टरों की जो टीम है वो उन्हें लेने के लिए आई है और उन्हीं की देखरेख में वो आगे जाएंगे। ठीक है, मतलब गुरुग्राम से डॉक्टर्स का पूरा पैनल आया हुआ है जो यहाँ से उनको उनकी निगरानी में लेकर जाया जाएगा गुरुग्राम तक डूडी साहब को। बिल्कुल आशीष, गुरुग्राम से पूरी टीम आई हुई है, डॉक्टरों की पूरी टीम आई है और उन्हीं की देखरेख में जो डूडी साहब है उनको यहाँ से लेकर जाएगा। पूरी मॉनिटरिंग डॉक्टरों की ब्रेकफास्ट से, जब उनको स्ट्रोक आया था पहले उन्हें मंगलम हॉस्पिटल में मानसरोवर भर्ती करवाया गया और वहाँ से कुछ देर बाद जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वहाँ उन्हें मिलने पहुँचे और तुरंत उन्होंने निर्देश दिया और उन्हें SMS हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया। SMS हॉस्पिटल में 7 डॉक्टरों की एक टीम बनाई गई और उस टीम की देखरेख में ही उनका लगातार 3 दिन से इलाज जारी था। टीम ने उनका ऑपरेशन किया, ब्रेन सर्जरी की और उसमें से जो ब्लड का थक्का नस में जो जमा होता उसको निकाला, जो क्रिटिकल सिचुएशन थी उस सिचुएशन से डूडी को उभारा और लगातार मॉनिटरिंग कर रहे थे। पूरा डॉक्टरों की टीम का सुपरविजन लगातार जारी था। उसके बाद जब परिजनों ने इच्छा जाहिर की तो कल परिजनों ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात कर मेदांता में शिफ्ट करने की इच्छा की थी। ऐसे में मुख्यमंत्री ने संज्ञान लेते हुए परमिशन दी, डॉक्टरों को निर्देश दिए, SMS हॉस्पिटल को निर्देश दिए कि जल्द ही जो है कांग्रेसी नेता रामेश्वर डूडी जो कि किसान आयोग के अध्यक्ष भी हैं उन्हें मेदांता में शिफ्ट करवाया जाए। उसके बाद मेदांता की पूरी टीम उन्हें एयर लिफ्टिंग के जरिए लेने के लिए आई और उन्हीं की टीम के देखरेख में, उन्हीं के निर्देशन में वो यहाँ से जाएंगे। ऐसे में परिवार के सदस्य उनके साथ अतुल डूडी रहेंगे जो कि पिछले 3 दिन से लगातार उनके साथ थे, वो उनकी पूरी देखरेख कर रहे थे, लेकिन डॉक्टरों की टीम पूरा नज़र बनाए हुए हैं और पूरी टीम उन्हें SMS हॉस्पिटल से लेकर एयरपोर्ट तक छोड़ने के लिए आई है। ऐसे में एयरपोर्ट तक SMS हॉस्पिटलों की पूरी जिम्मेदारी थी, इनकी देखरेख में यहाँ पहुँचे हैं। अब जो है यहाँ से वो मॉनिटरिंग हो जाएगी मेदांता की, मेदांता का पूरा मेडिकल बोर्ड, मेडिकल टीम उन्हें यहाँ लेने के लिए आई है और उन्हीं की देखरेख में अब वो जयपुर से रवाना हो रहे हैं। दिनेश, संभावनाओं की बात लगातार हो रही है क्योंकि जब ऑपरेशन हुआ, 3 घंटे का जटिल ऑपरेशन हुआ, क्लॉट निकाला गया,
तब से जब डॉक्टर से सवाल पूछा गया तो डॉक्टर ने ये कहा कि भाई हमने अपना काम कर दिया है और अब सब कुछ डिपेंड करता है उनके रिकवरी का, जो चीज़ें डिपेंड करती हैं वो डिपेंड करती हैं उनके बॉडी के मूवमेंट पर। अगर रिकवरी होती है तो बहुत कुछ जो है वो प्रार्थनाओं का ही कमाल होगा, क्योंकि डॉक्टर ने तो अपना काम कर दिया। अब ऐसे में जाहिर तौर पर SMS में इलाज चला, 7 डॉक्टरों का पैनल बनाया गया था जो देख रहा था, उनको निगरानी में थे, ऑक्सीजन से लेकर पल्स रेट तक किस प्रकार से दिमाग में ऑक्सीजन पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही, हर एक चीज़ को बारीकी से देखा गया। अब SMS से निकलकर मेदांता शिफ्ट किया जा रहा है, क्या बेहतर, क्या अपग्रेडेड इलाज उनको वहाँ पर मिल पाएगा, ये भी समझने वाली बात है कि क्या यहाँ से बेहतर सुविधाएं वहाँ पर मिल पाएंगी और मेदांता जाने का क्या लाभ होगा, ये भी समझने वाली बात है। और रिकवरी की ज़्यादा उम्मीदें वहाँ पर कैसे बन रही हैं, डॉक्टर्स ने क्या कहा जब रिपोर्ट्स देखा तो, कि आप ले आइए। हाँ बिल्कुल, देखिए जो जयपुर हॉस्पिटल के जो डॉक्टर हैं, SMS हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं, वो लगातार प्रयास कर रहे थे, 3 दिन से वो प्रयासरत थे और उन्होंने जो ऑपरेशन करके क्लॉथ भी बाहर निकाला, ऐसे में डॉक्टरों ने ये अपनी तरफ से ये दिया है कि काफ़ी हद तक जो है उनकी स्थिति में सुधार की गुंजाइश है। हालांकि SMS की जो टीम थी उन्होंने काफ़ी हद तक बेहतरीन प्रयास किए, परिजनों ने भी संतुष्टि जाहिर की। लगातार मंत्री BD कल्ला जी जो हैं कल भी SMS हॉस्पिटल गए थे, आज भी वहाँ जाके आए हैं, उनसे मिलकर आए हैं, हमारे साथ हैं, हम बात करते हैं। सर आप मिले हैं ड्यूटी साहब से, हालांकि मुलाकात नहीं हो पाई, वो 3 दिन से होश में नहीं है, लेकिन क्या हालात लग रहे हैं सर? उनके पैरामीटर्स जैसा डॉक्टर साहब ने बताया सब ठीक है, ब्लड प्रेशर, शुगर और जितने भी पैरामीटर्स हैं वो बिल्कुल, ब्लड प्रेशर वगैरह सब सही है। और इस रिकवरी में तो थोड़ा बहुत समय लगेगा, बाकी ऑपरेशन बहुत अच्छा हुआ है। कल जो वेदांता के डॉक्टरों ने भी ये बताया कि जो इलाज हुआ है बहुत अच्छा हुआ है, चूँकि यहाँ पर आवागमन काफ़ी लोगों का है इसलिए इन्फेक्शन न हो, इसके कारण से घर वाले चाहते थे इनको शिफ्ट करना है, तो डॉक्टरों ने भी पूरा मेडिकल केयर के साथ इनको शिफ्ट किया है। SMS की सेवाओं को लेकर परिजन भी संतुष्टि जाहिर कर रहे हैं, डॉक्टरों ने बहुत अच्छा काम किया है, समय पे ऑपरेशन कर दिया। मेदांता भेजा गया है, क्या भेजा? वेदांता वालों ने कहा बहुत बढ़िया ऑपरेशन किया है, पैरामीटर्स वगैरह सब सही है और कल से आज भी और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है और धीरे धीरे आप देखना इसमें न्यूरो में थोड़ा समय लगता है लेकिन बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, ऐसा हमको विश्वास है। ऐसे में उम्मीद है, मंत्री BD कल्ला जी उम्मीद जता रहे हैं कि जल्दी वो रिकवर होकर वापस लौटेंगे। मैदान तक हैं डॉक्टर्स हमारे साथ, SMS का जो बोर्ड है जो जिनकी देखरेख में उनका इलाज चल रहा था हमारे साथ डॉक्टर साहब, आपने तो पूरा देखा है, देख सकते हैं आप क्या पूरा? हाँ, जैसा कि अब हम सबको पता है कि BD साहब का 2 दिन पहले ब्रेन हेमरेज हुआ, काफ़ी बड़ा एक हेमरेज था जिसकी वजह से वो गहरी बेहोशी के अंदर चले गए। सबसे पहले प्राथमिकता थी हम उसको जल्दी से जल्दी उसको ऑपरेशन कर क्लॉट को निकालना, वो हमने निकाला, थोड़ा बहुत उसमें सुधार, चूँकि ब्रेन में काफ़ी ज़्यादा प्रेशर था, शिफ्ट हो चुका था, इसमें वक्त लगता है, सुधार उम्मीद यही रखेंगे कि जल्दी वो स्वस्थ होकर लौटें। जैसा कि अभी बताया मंत्री जी ने भी कि परिजनों की इच्छा थी कि भी उनको यहाँ से हम आगे के और फर्दर इलाज के लिए वहाँ लेके जाएं, जिस पे उन्होंने CM साहब को भी इच्छा जाहिर की और उनके उन्होंने इस बात को मान सोचते हुए उसको वहाँ पे उनको वेदांता शिफ्ट कराने के लिए बोला। आज हम यहाँ हमारी टीम इनको हैंडओवर करने आई थी, जिस पे वेदांता की जो डॉक्टर्स की टीम ने उनको यहाँ से अपने उस अंडर में लिया है और आगे वेदांता के लिए लेके जा रहे हैं उसको। SMS हॉस्पिटल की जो डॉक्टरों की टीम थी, 7 लोगों का बोर्ड था, बेहतरीन सेवाएं रही, परिजन भी संतुष्टि जाहिर कर रहे हैं, क्या वजह रही कि फिर मेदांता भेजा गया? नहीं, हमारी तरफ से मैंने आपको जैसे पहले कहा कि सब लोग ये जानते हैं कि चिकित्सा में कोई कमी नहीं है और जैसा मैंने कल वहाँ पे मेदांता के हेड ऑफ डिपार्टमेंट से बात हुई, मैं उनको से परिचित हूँ और उन्होंने भी यही कहा कि सबसे अच्छी बात रही कि आपने तुरंत ऑपरेशन कर दिया। उन्होंने मेरे से सारा न्यूरोलॉजिकल स्टेटस उनका जाना और ये कहा कि बिल्कुल सही चल रहा है। आगे के लिए मैंने उनको जो परिजन की आगे की जो इच्छा बताई थी तो उस पर भी उन्होंने कहा ठीक है, हम आगे हम तैयार हैं उनको अपने अंडर में रख करके ट्रीटमेंट कराने के लिए, जिस पे उन्होंने आज सुबह के लिए ये प्लान किया था कि उनको शिफ्ट करेंगे। अब SMS हॉस्पिटल की पूरी टीम उन्हें एयरपोर्ट तक छोड़ने के लिए आई, आगे क्या वेदांता का बोर्ड, मेदांता के डॉक्टरों की टीम्स उन्हें लेकर देखरेख में लेकर जाएंगे? हाँ, लेके चली गई उनकी टीम और हम अभी एयरपोर्ट के बाहर ही खड़े हुए हैं, अभी जस्ट उनको अपने कुछ समय पूर्व उनको वेदांता की टीम ने अपने अंडर में लेकर के शिफ्ट किया है। डॉक्टर अचल शर्मा जो कि SMS हॉस्पिटल के अधीक्षक भी है, इनकी देखरेख में पूरा इलाज हुआ है और मंत्री BD कल्ला जी जो कि लगातार पिछले 3 दिन से उनका स्वास्थ्य को लेकर मॉनिटरिंग कर रहे हैं, पूरा वॉच कर रहे हैं, कल भी SMS गए, ठीक है, आज भी सुबह से लगातार SMS हॉस्पिटल गए और पूरा इस पर नजर बनाए हुए हैं। आशीष SG